हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज दिस इज दिव्या माहेश्वरी स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं कंप्यूटर के आईटी मैट्रिक्स का क्लास सिक्स का लेसन टेन जिसका नेम है साइबर सिक्योरिटी और आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं हमारे टॉपिक रहेंगे हम सबसे पहले जानेंगे फायर के बारे में देन हम जानेंगे एंड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं एंड इनका क्या यूज़ होता है एंड साथ ही साथ जानेंगे बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड के बारे में किस तरह से बायोमेट्रिक का यूज किया जाता है और पासवर्ड का क्या बेनिफिट होता है साइबर सिक्योरिटी में सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फायरवॉल के बारे में वेन यूर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क और इंटरनेट जब आपके कंप्यूटर को एक नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है मीन्स उसमें इंटरनेट चला दिया जाता है सो इट बिकम्स वनरेबल टू वेरियस काइंड ऑफ अनऑथोराइज एक्सेस और थ्रेड्स तो वह जो विभिन्न प्रकार के अनऑथराइज एक्सेसिस हैं या फिर थ्रेड्स हैं उनसे असुरक्षित हो जाता है मीन्स उसमें वायरस आने का खतरा बढ़ जाता है इन सच अ सिचुएशन अ फायरवॉल प्लेज अ वाइटल रोल इस तरह की सिचुएशन में फायरवॉल जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अ फायरवोल इज़ अ सिक्योरिटी सिस्टम एक फायरवोल एक सिक्योरिटी सिस्टम है दैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम एन एक्सेस ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट जो कि इंटरनेट या नेटवर्क पर अनऑथोराइज एक्सेस से कंप्यूटर को सुरक्षित करता है मीन्स ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है और कंप्यूटर में कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो इसके लिए यह उसे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता रहता है इट ब्लॉक्स अनऑथोराइज वेब यूजर्स और इलिसिट सॉफ्टवेयर फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू अ प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट और ये क्या करता है ये अनऑथराइज जो वेब यूज़र्स हैं जो ऑथराइज नहीं हैं और या फिर जो अवैध सॉफ्टवेयर हैं उन सभी को इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्राइवेट नेटवर्क पर एक्सेस करने की अनुमति नहीं देता उन्हें ब्लॉक कर देता है मींस ये उन्हें एक्सेस करने ही नहीं देता है यदि कोई यूज़र अनऑथराइज है या फिर कोई अवैध सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर सही नहीं है तो उसे इंटरनेट का जो प्राइवेट नेटवर्क है उस पर एक्सेस नहीं करने देता तो ये फायरवॉल की बहुत ही अच्छी खूबी है इसीलिए इसे एक सिक्योरिटी सिस्टम कहा जाता है अब फायरवॉल कु इम्प्लीमेंटेड एज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और इवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉथ एक फायर वोल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में लागू किया जा सकता है फायरवोल सॉफ्टवेयर फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स फायरवॉल सॉफ्टवेयर रूल्स के सेट को फॉलो करता है दैट डिटरमाइंस वॉट कैन एंटर एंड लीव अ नेटवर्क जो कि ये निश्चित करते हैं कि नेटवर्क में क्या एंटर करना है और क्या छोड़ना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स इन रूल्स के आधार पर अ फायरवॉल मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउट गोइंग नेटवर्क ट्रैफिक इन्हीं के आधार पर फायरवॉल क्या करता है ये इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है उस पर ध्यान भी रखता है और उसे नियंत्रित भी रखता है इन्हीं रूल्स के आधार पर नेक्स्ट है एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर द सेफ्टी ऑफ डेटा इज ऑफ अटमोस्ट इंपोर्टेंस जो डेटा की सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है देर आर चांसेज दैट डेटा कुड लूज इट्स प्राइवेसी वाइल बींग ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट ये संभावना ज़्यादा रहती है कि जब कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो वो अपनी प्राइवेसी को खो सकता है मीन्स जो उसमें गुप्त चीज़ें हैं वो खोई जा सकती हैं तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं जब हम इंटरनेट या नेटवर्क पर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं द एक्रिप्शन मैथड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम एन अनऑथराइज एक्सेस एनक्रिप्शन मैथड अनऑथराइज एक्सेस से डेटा को सुरक्षित करने के लिए यूज़ किया जाता है जो एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर की यहाँ बात हो रही है तो एक मैथड है जिसका यूज डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है अनऑथराइज एक्सेस से एनक्रिप्शन इज़ अ स्टेप अहेड ऑफ फायरवोल इन टर्म्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी और सेफ्टी एनक्रिप्शन फायरवोल से एक कदम आगे है मीन्स डेटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में बात करें तो यह फायरवल से भी एक कदम आगे है फायरवोल से भी एडवांस है एनक्रिप्शन इज़ अ टेक्निक यूज टू कन्वर्ट प्लेन टेक्सट और अदर डिजिटल डेटा फ्रॉम आ रीडेबल फॉर्म टू एन एनकोडेड वर्जन एनक्रिप्शन एक टेक्निक है जिसका यूज प्लेन टेक्स्ट और अदर डिजिटल डेटा को रीडेबल फॉर्म से एनकोडेड वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है मीन्स इनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है जो प्लेन टेक्स या दूसरा डिजिटल डेटा होता है उसे एनकोडेड वर्जन में कन्वर्ट uh, किया जा सकता है मीन्स वो रीडेबल होता है लेकिन उसे एनकोडेड कर दिया जाता है दूसरी कंप्यूटर मशीनरी कोड में चेंज कर दिया जाता है जो कंप्यूटर की मशीनरी कोड होता है उसमें चेंज कर दिया जाता है द प्लेन टेक्स्ट इज नोन एज अनक्रिप्टेड डाटा प्लेन टेक्स्ट को अनएंक्रिप्टेड डाटा के रूप में भी जाना जाता है विच इज़ एनक्रिप्टिड यूजिंग एन एनक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड एन एनक्रिप्शन की जिसको एनक्रिप्शन एल्गोिदम और एनक्रिप्शन की का यूज करके एनक्रिप्ट किया जाता है मीन्स अन एनक्रिप्टिड डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए एनक्रिप्शन एल्गोरिदम और एनक्रिप्शन की का यूज़ किया जाता है द एनकोडेड वर्जन ऑफ डेटा कैन नॉट बी डिकॉडेड जो एनकोडेड वर्जन होता है डेटा का उसे डिकोड नहीं किया जा सकता मींस जो कोडिंग दे दी गई है उस वर्जन को चेंज नहीं किया जा सकता है, है, नहीं, किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है और रीड बाय अनदर एंटिटी अनलेस दे हैव एक्सेस टू इट्स डिक्रिप्शन की और उसको दूसरे व्यक्ति के द्वारा तब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक उसको इसकी डिक्रिप्शन की का नहीं पता है मीन्स डिक्रिप्शन की का पता होगा तभी वो उसे एक्सेस कर पाएगा द यूजर इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रोटेक्टेड थ्रू एनक्रिप्शन मेथड इंक्लूड्स पासवर्ड बैंकिंग एंड पेमेंट क्रेडेंशियल और एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज कंसिडर्ड प्राइवेट एंड सेंसिटिव यूज़र इन्फॉर्मेशन जो कि एनक्रिप्शन मेथड के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है उसमें जैसे कि पासवर्ड हो सकता है बैंकिंग एंड पेमेंट क्रेडेंशियल हो सकता है और दूसरी कई सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जिन्हें प्राइवेट और सेंसिटिव समझा जाता है तो इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं उन्हें एनक्रिप्शन मैथड के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है इन्फोबॉक्स में यह एवं हमें बता रही है द एनक्रिप्टिड टैक्स इज रेफर्ड टू एज सिफर टैक्स जो एनक्रिप्टिड टेक्स्ट है उसे सिफर टेक्स्ट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एनक्रिप्शन जो कि एन्क्रिप्शन का ही रिजल्ट होता है द सिफर टेक्स्ट कैन ओनली बी रीड इफ डिक्रिप्टेड विद द करेक्ट की यदि सिफर टेक्स्ट को रीड करना है तो वो केवल रीड तभी किया जा सकता है जब उसे करेक्ट की के द्वारा डिक्रिप्ट किया जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन इस प्रोसेस को डिक्रिप्शन कहा जाता है व्हिच इज द इनवर्स ऑफ एन्क्रिप्शन जो कि एन्क्रिप्शन का उल्टा होता है मींस जस्ट अपोजिट होता है नेक्स्ट है बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक इज़ अ सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन डिवाइस बायोमेट्रिक एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन डिवाइस है मीन्स ये सुरक्षा के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए और ऑथेंटिकेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है अ बायोमेट्रिक डिवाइस यूजेज ऑटोमेटेड मैथड्स टू ऑथेंटिकेट अ पर्सनस आइडेंटिटी बेस्ड ऑन अ यूनिक फिजियोलॉजिकल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक एक बायोमेट्रिक एक यूनिक शारीरिक विशेषता या विशेषता के आधार पर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को ऑटोमेटिक तरीके से ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ होता है मीन्स ऑटोमेटिकली तरीके से उसको प्रमाणित करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि वो व्यक्ति वही व्यक्ति है या कोई दूसरा व्यक्ति है क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकली एक टेस्ट हो जाता है उसमें दीज कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड फिंगर प्रिंट्स इरीज प्रिंट फेशियल इमेज एंड वॉइस रिकोग्निशन इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसमें जो इसकी विशेषताएँ है होती हैं वो क्या होती हैं जैसे फिंगर आ, उंगलियों का प्रिंट लेना इरीज प्रिंट आंखों की पुतलियों का प्रिंट लेना या फिर फेशियल इमेज या फिर फेशियल इमेज से चेहरे की इमेज से पहचानना और वॉइस रिकॉग्निशन, या फिर आवाज से पहचान लेना ये इसकी विशेषता होती हैं जैसे कि आज के समय में आप देखेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली मोबाइल्स में बायोमेट्रिक आता है जिसमें आप अपने थंब से ओपन कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट से या फिर अपने पुतलियों से भी आप को वो रिकॉग्नाइज कर देता है मोबाइल और वो एकदम ओपन हो जाता है या फिर आपके फेस को देख भी ओपन हो जाता है इसी तरह से आप आवाज़ से भी इसको आ, कर सकते हैं सेट तो इस तरह से इसकी विशेषताएं होती हैं बायोमेट्रिक में दीज ऑफ अ पर्सन आर फर्स्ट सेव्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की जो विशेषताएं सबसे पहले व्यक्ति की ली जाती हैं उन्हें सबसे पहले डेटाबेस में सेव किया जाता है सेव्ड करने का बेनिफिट ये होता है कि ये अपने डेटाबेस में उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन को सेव कर लेती है और उसके बाद कभी भी यदि आइडेंटिफाई कराना है तो ये उस व्यक्ति को अपने डेटाबेस से चेक करके आइडेंटिफाई कर देती है देर आफ्टर अ बायोमेट्रिक डिवाइस मेजर्स बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ अ पर्सन टू वेरीफाई द आइडेंटिफिकेशन बाद में उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए ये बायोलॉजिकल एलिमेंट से उसका मेजर करती है मीन्स जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो मेज़र करती है और उसको वेरीफाई कर देती है इफ़ द इनपुट मैचिज विद द डेटाबेस यदि इनपुट किया गया जो डेटा है वो डेटाबेस से मैच हो जाता है देन अ पर्सन इज प्रोवाइडेड एक्सेस टू द सिस्टम और टू एंटर इन स्पेसिफिक प्रोमाइसिस तो उस व्यक्ति को एक सिस्टम को एक्सेस करने या किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में एंटर करने की अनुमति मिल जाती है ऑथेंटिकेटिंग अ अर्सन आइडेंटिटी यूजिंग अ बायोमेट्रिक डिवाइस रिक्वायर्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एट द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एक बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ करके एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करने के लिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन के समय पर फिजिकली उपस्थित होना आवश्यक होता है मींस जब भी बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ होगा तो उस व्यक्ति को जिसका डेटा बेस में डेटा है उसका वहां पर उपस्थित होना ज़रूरी है उसी के द्वारा उसी के फिंगरप्रिंट्स के द्वारा या रिज प्रिंट फेशियल इमेज या फिर वॉइस रिकोग्निशन के द्वारा उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा नाउ नेक्स्ट जानते हैं पासवर्ड के बारे में यू कैन प्रोटेक्ट सेंसेटिव एंड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन यूजिंग पासवर्ड अब पासवर्ड का यूज करके प्राइवेट और सेंसेटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको सुरक्षित कर सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनी अनऑथराइज पर्सन पासवर्ड से प्रोटेक्ट की गई फाइल्स को किसी अनऑथराइज पर्सन के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है मीन्स उन्हें नहीं चलाया जा सकता है अब पासवर्ड इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स एक पासवर्ड एक कैरेक्टर का स्ट्रिंग होता है मीन्स एक कैरेक्टर का एक लाइन होती है अक्षरों की विच इंक्लूड लेटर्स नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स जिसमें लेटर नंबर या कुछ स्पेशल सिंबल्स जुड़े होते हैं पासवर्ड्स आर यूज टू ऑथेंटिकेट द यूजर्स एक्सेस टू एनी डिवाइस और प्रोग्राम किसी भी डिवाइस या प्रोग्राम में एक्सेस करने के लिए यूजर को पासवर्ड का यूज ऑथेंटिकेट करने के लिए किया जाता है मीन्स कि जो यूजर है उसने प्रमाणित कर दिया है कि ये पासवर्ड उसी के द्वारा डाला गया था तो वो उसे ओपन कर सकता है इफ द पासवर्ड एंटर्ड बाय यूजर मैचेस द कोड सेव्ड इन द डेटाबेस यदि डेटाबेस में सेव किए गए कोड से यूजर के द्वारा एंटर किया गया पासवर्ड मैच हो जाता है देन द यूजर हैज़ अप्रूव टू एक्सेस अ फाइल और प्रोग्राम तब यूजर उस फाइल या प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए अप्रूव हो जाता है द यूज़ ऑफ पासवर्ड एंश्योर्स दैट द डाटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस पासवर्ड का यूज यह सुनिश्चित करता है कि जो डाटा है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित है इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज पासवर्ड विच आर इज़ी टू मेमोराइज येट स्ट्रोंग यह रिकमेंड किया जाता है कि पासवर्ड याद करने में आसान होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए मीन्स मजबूत होना चाहिए कोई भी उसे आसानी से ना डाल पाए स्ट्रोंग का मीन्स ये है कि आ, उसमें आ, कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए कुछ डिजिट्स होने चाहिए यह नहीं कि आपने वन टू थ्री डाल दिया तो वो तो आसान सा है कोई भी उसे ओपन कर सकता है उससे क्योंकि काफ़ी लोग इसी तरह से इजीली याद करने की वजह से ऐसा पासवर्ड डाल देते हैं बट स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए जिसमें कि सोचना पड़े पासवर्ड आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पस सम ऑफ देम आर पासवर्ड का यूज करने के कई पर्पस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं फर्स्ट है लॉगिंग इनटू ऑनलाइन अकाउंट सच एज बैंकिंग ईमेल आईडी सोशल नेटवर्किंग एट सोन ऑनलाइन अकाउंट्स जैसे कि बैंकिंग ईमेल आईडी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ओपन करने के लिए लॉगिन करने के लिए पासवर्ड का यूज किया जाता है एक्सेसिंग एप्लीकेशन डेटाबेस और नेटवर्क डेटाबेस एप्लीकेशंस और नेटवर्क्स को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड का यूज किया जाता है पासवर्ड डालने का मेन पर्पज ये होता है कि हम एप्लीकेशन डेटाबेस और नेटवर्क को एक्सेस कर सकें कोई और ना एक्सेस कर पाए यूजिंग एटीएम कार्ड टू विड्रो मनी और शॉप ऑनलाइन एटीएम कार्ड से मनी विड्रो करते समय भी आपको पासवर्ड का यूज करना होता है पासवर्ड का मेन पर्पज होता है कि यदि बाई चांस आपका एटीएम कार्ड कहीं गिर जाता है तो बिना पासवर्ड के कोई भी उसे रन नहीं कर सकता है उससे पैसा नहीं निकाल सकता है जब तक उसको पासवर्ड नहीं मालूम होगा तो पासवर्ड से आपका एटीएम कार्ड जो है वो सिक्योर हो जाता है और साथ के साथ शॉप ऑनलाइन यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से तो वहाँ पर भी आप अपना कार्ड नंबर डालते हैं आ, मनी ट्रांसफ़र भी करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यदि आप पासवर्ड नहीं डालते तो आपका मनी ट्रांसफ़र नहीं होता है या शॉपिंग नहीं हो पाती ऑनलाइन तो इसमें भी यहाँ बिना पासवर्ड के रन नहीं कर सकता है तो पासवर्ड का मेन पर्पज होता है आपको सिक्योरिटी देना आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय